मथुरा जिला ईंट भट्टा एसोसिएशन के द्वारा वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ईंट भट्टा एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग की है कि हाल ही में सरकार द्वारा लाल ईंटों पर दो प्रकार के अव्यवहारिक एवं अनुचित दर में वृद्धि कर दी गई है, जिससे कि ईंट भट्टा व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। ज्ञापन देने आए महामंत्री भानु प्रकाश ने कहा कि सरकार भली भांति से अवगत है कि विगत दो वर्षों से कोरोना के कारण ईंट भट्टा एसोसिएशन पूरी तरह चौपट है और घाटे में है, तो वहीं दूसरी ओर जनसाधारण का भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसी हालत में जनसाधारण के निर्माण की मूलभूत आवश्यकता ईंटों पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव बिल्कुल गलत है। अगर लाल ईंटों पर से कर नहीं हटाया गया तो प्रधानमंत्री का सपना सबका घर हो 2022 में वह सिर्फ सपना ही रह जाएगा। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही जो कर बढ़ाया गया है उसे माफ किया जाए। हम सभी भट्टे वालों ने आज मिलकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लाल ईंटा पर बढ़ाने की एक आदेश दिया है, जिसमें 1% कंपोजिशन वाले को 5% वो 6% कर दिया है और जो 5% थी उसको 12% कर दिया है। हम सभी भट्टे वाले इसका पूरे प्रदेश में आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं और डीएम साहब के माध्यम से वित्त मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या मांग की है ज्ञापन? मांग ये करिए, कोरोना की वजह से ये हमारा कुटीर उद्योग पहले से ही 2 साल में बहुत परेशानी में चल रहा है। जीएसटी अगर बढ़ेगी तो वो आम नागरिक पर ही उसका बोझ पड़ेगा और जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कि 2022 में सबका घर हो, उसमें वो लाल ईंटा का ही यूज होता है, तो जब ईंटा की जो जीएसटी बढ़ेगी तो वो रेट बढ़ेगा और बोझ आम आदमी पड़ेगा, तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि जो जीएसटी पूर्व में थी 1% और 5% वाली वही रहे, उस पर जीएसटी न बढ़ाई जाए।